अस्सलाम वालेकुम विवर, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। तो आपकी दुआओं से हम लोग भी ठीक हैं। तो आज मैं बना रही हूँ और चने चने की दाल है और आलू का सादा पुलाव बना रही हूँ। तो पुलाव बना के आपको दिखाती हूँ कैसे बनता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में ज़रूर बताना। और ये क्या डाल रही? ये तेल डाल रही, तेल डालती हूँ तो फिर इसमें ये क्या? ये चने की दाल है और जो ये आलू मैंने थोड़े से काटे हैं और ये मसाला मैंने काट के रखा है और तेल मैंने डाल दिए। तो अभी इसमें डालेंगे मसाला डाल के फिर और तेल गर्म हो चुका है, मैं डाल रही हूँ मसाला। इसमें प्याज डालेंगे, प्याज और अदरक लहसुन डालेंगे और टमाटर बाद में डालूँ। अभी ये गर्म होती है तो फिर मैं डालती हूँ टमाटर डालूंगी फिर। हाँ ऐशा क्या कर रही है? हाँ आज क्या बना रही है अम्मी आपकी? ऐशा मेरी बेटी चावल खाने के लिए बड़ी बेताब बैठी है, बोल रही है अम्मी चावल तैयार करे और मैं खाऊं। तुम क्या कर रहे? धोबी लेके आ गया, धोबी को सूट लेके आ गया। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। गर्म हो चुके हैं, अभी मैं डालती हूँ टमाटर डालती हूँ। अभी क्या डाल रही? मिर्ची डाल रही, लाल मिर्ची। हाँ लाल मिर्ची मैंने डाल दी है, थोड़ा सा पानी डालती हूँ। ये नमक? हाँ नमक डाल रही हूँ। मैं आलू डालती हूँ, आलू का और चने की दाल का पुलाव बनाएगा। आलू का बहुत टेस्टी बनने वाला है पुलाव। देख मेरे बच्चे भी साथ बैठे हुए हैं। ऐसा तो बहुत रेडी बैठी है पुलाव खाने के लिए। ऐसा आपको पुलाव कैसा लगता है? अच्छा लगता है? अच्छा, इसके बाद फिर चावल डालेंगे। हाँ, इसमें पानी डाल के फिर चावल डालेंगे। चावल बस चावल तीन पाव। रोज तेल लेते हैं 100 का मिलता है, ये इतना सा है और दिन रात चलता है, पराठे बनते हैं और सालन में डलता है। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि एक गिलास दो बस आधा गिलास ये डालती हूँ। कितनी देर इसको ढक के? ये चैनी नमक, चैनी नमक टेस्ट अच्छा होता है इसका। हाँ ये बहुत मजे का होता है और दिल चाहता है खाते रहो चैनी नमक डालो। बस देखो नजर भी नहीं आता है, थोड़ा सा होता 10 रुपए का ना। हाँ, थोड़ा सा होता है। अभी इसका पानी कितने देर तक पकना चाहिए? और 10-15 मिनट हो जाए फिर चावल डालेंगे। हाँ फिर चावल डाल देंगे।
पुलाव के लिए क्या सलाद बना रही है? अभी चावल डालेंगे। हाँ, ये चावल डाल, चावल डालती हूँ तो फिर थोड़ी देर बाद इसको दम लगाएंगे, दम लगा के फिर डाल देंगे। चावल डाल के मिक्स करके हाँ, फिर दम देना। हाँ, दम दे। आज जाना माशाल्लाह, आलू का और चने की दाल का पुलाव बहुत टेस्टी माशाल्लाह बनने वाला है। मिक्स करके अभी दम देंगे। हाँ, बस पानी ले जाता है, पानी सूखेगा फिर। पानी सूखेगा, खीरा काट। ये पुलाव के लिए सलाद बना रहे हैं। अच्छी होती है ये सलाद भी, अच्छी होती है। जो पुलाव के साथ सलाद जरूरी है। हाँ, जरूरी। मुझे ऐसे पुलाव सादा अच्छा भी नहीं लगता। सलाद बनाती हूँ और ऐसे खाते हैं तो बहुत मज़ा आता है खाने में। और माशाल्लाह देखें, सलाद का लुक बहुत प्यारा लग रहा है। हाँ भाई, ये इसका पानी बिल्कुल, मैंने बिल्कुल सूख गया, अभी दम लगाती हूँ इसको। मिक्स करके फिर दम करके फिर दम लगाती हूँ। दम लगा के फिर 10-15 मिनट रखती हूँ। अच्छे से मिक्स करके, हाँ अच्छे से मिक्स करके, और तकरीबन 15-20 मिनट तक दम लगाती। ज़्यादा से ज़्यादा और आप मेहनत से वीडियो बनाते हैं, आप सपोर्ट नहीं करते। जो सपोर्ट किया करें, आप पूरी वीडियो वॉच किया करें, पूरी फुल देखा करें और मेहनत से बनाते हैं। पर मजबूरी से कोई आता है, और जो हमारी वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें आगे। तो व्यूअर्स, दम खोलते हैं पुलाव का तो फिर आपको दिखाते हैं। हमारे चावल भी और पुलाव भी हो चुका है, रेडी हो गया। हाँ, बस रेडी। कितने टाइम के लिए दम दिए था? बस 20 मिनट। हाँ, 15-20 मिनट। फाइनली व्यूअर्स, हमारे जो है ना आलू का पुलाव जो है ना रेडी हो गया, चने की दाल का और आलू पुलाव रेडी हो गया। और अभी एक बच्चों को देते हैं, बच्चों को डाल के देते हैं और आपके साथ भी शेयर करते हैं। बच्चों को चावल डाल के दिए, अभी खा रहे हैं और देख कैसे बना के बैठे हैं। माशाल्लाह। हाँ भी, चावल आपके बन गए, हम भी खाने के लिए रेडी हैं। खाने के लिए रेडी है। ऐशा, आप भी खा रही हैं चावल? ऐशा, कैसे बने हैं चावल? अच्छे हैं। ये सलाद है, देखें सब बच्चे जो है ना, ऐशा और सुवेर सलाद डाल के बैठे हैं चावल पे। और ये देखें, ये भी प्लेट रेडी हो गई है, कोल्ड ड्रिंक भी है। पुलाव खा के फिर बच्चे कोल्ड ड्रिंक पियेंगे। हाँ भी, अभी क्या कहना चाहेंगी व्यूअर्स को? मैं कहना चाहती हूँ अपने प्यारे से व्यूअर्स से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और लाइक किया करें, शेयर किया करें। तो कमेंट में ज़रूर बताना हमारा पुलाव कैसे लगा। गर्मी में बनाते हैं, जो इतनी गर्मी भी बहुत होती है, किचन भी बहुत छोटी है, गर्मी में बनाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करें। और हमारे रिश्तेदार बोलते हैं, तुम लोगों ने चैनल बनाए कुछ आ भी नहीं रहे, व्यूअर सब्सक्राइबर भी नहीं आ रहे, लोग ताने मारते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करें, ताकि हमारे जो रिश्तेदार हैं उन लोगों के मुँह बंद हो जाएंगे। हमारी ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर सपोर्ट किया करें, वीडियो फुल वॉच किया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें।
आप सपोर्ट करेंगे तो हम आगे तक बढ़ सकेंगे। आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे हम आगे बढ़ेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करें ताकि हम आगे बढ़ सकें और अच्छी अच्छी वीडियो बना के दिखाएंगे आपको। और आपको अच्छे अच्छे इस चैनल पे व्लॉग मिलेंगे, आपको बना के दिखाएंगे और बाहर के होम टूर के भी व्लॉग भी आपके साथ शेयर करेंगे और रेसिपी की वीडियो भी आपके साथ शेयर किया करेंगे। बाहर का भी व्लॉग दिखाएंगे आपको, ताकि जो बाहर जाते हैं तो व्लॉग भी आपको दिखाएंगे। इंशाल्लाह ताला आप एतवार को संडे को जाएंगे, बच्चों को भी ले जाएंगे आपको। और आज की वीडियो आपको ये आलू वाले पुलाव की अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना और नेक्स्ट वीडियो तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। हाँ जी सुहेल, ऐशा, अल्लाह हाफिज़।